केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि सी वोटर का ये सर्वे साफ संकेत दे रहा है कि आपका जो गठबंधन एनडीए का नीतीश बाबू से टूटा, तो सारा का सारा इसमें फायदा तेजस्वी यादव ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे उनकी लोकप्रियता का सवाल हो, चाहे वोट परसेंटेज हो या फिर सीट्स की बात। रविशंकर जी, देखिए आप स्वयं कर रही हैं, स्नैप पॉल है ना, तो 25 के पहले 24 लोकसभा का चुनाव होगा ना, तो उसमें जनता मुद्दों को देखेगी ना, नेता कौन है प्रधानमंत्री के रूप में देखेगी ना, महागठबंधन के प्रधानमंत्री के नेता कौन है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी हैं या ममता जी हैं या क्या है, राहुल जी हैं, ये देखेगी ना। तो आज के आपके स्नैप पॉल पर कोई निर्णयात्मक निष्कर्ष निकाल कर मैं टिप्पणी करूं, ये मेरे ख्याल में उचित नहीं होगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर इतना ही कहता हूं, मैं अपने प्रदेश के जानता हूं, यहाँ के लोग देश में स्थायित्व चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ही जबरदस्त है और 24 का चुनाव होगा तो हर विकास के मुद्दे, राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पर हमें बहुत प्रामाणिक और प्रभावी जन सहयोग मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन हाँ, आपका एक स्नैप पॉल है तो स्नैप पॉल अपनी जगह पर है, उसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन एक टिप्पणी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जरूर करूंगा। मुझे कल के आपके साथ जो व्यवहार हुआ इसकी जानकारी मिली है, ये बहुत ही दुखद है। पटना शहर का मैं सांसद हूँ, हर पत्रकार को अपनी बात पूछने का अधिकार है, अनकंफर्टेबल सवाल पूछने का भी अधिकार है, तो जनता के द्वारा प्रायोजित रूप से हूट करवाया जाए कार्यकर्ताओं के द्वारा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे मैं उचित नहीं मानता जी। और इसको लेकर पूरे देश से कई लोगों का समर्थन भी मिला और उसके बाद से ये सवाल भी खड़ा हुआ है कि जब आप रिपोर्टिंग के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, लेकिन एक बात है रविशंकर प्रसाद जी कि ऐसी हर घटना हमारे हौसलों को बुलंद करती है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी गुंडागर्दी करके किसी भी की आवाज दबा नहीं सकती है, निष्पक्ष रूप से आज तक अपनी खबरों को रखता है, रखता रहेगा। अगर कोई पार्टी, पार्टी के नेता, उनके प्रवक्ता, उनके कार्यकर्ता कोई भी गलत नियत रखते हैं किसी के बारे में, तो वो उसको सही तरीके से सामने रख सकते हैं। अगर गुंडागर्दी कोई भी पार्टी करती है तो उनको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। और आज बड़ी ईमानदारी से ये भी बता सकती हूँ कि वो कौन सी पार्टी थी, वो कौन से नेता थे, तस्वीरें सामने थी मेरे। अगर मैं भी चाहती तो वीडियो बनाकर आज उनकी तस्वीर दिखा सकती थी, लेकिन ये कोई पहेली नहीं है बिहार में कि वो कौन सी पार्टी के नेता हैं। ये उस पार्टी के बारे में सब कुछ कहता है, ये उस पार्टी के चरित्र को दर्शाता है, इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, आपने ये मौका दिया इस मुद्दे को उठाकर, वरना मैं सोशल मीडिया या फिर क्या होता है, पत्रकार खुद खबर बने ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मानती हूं। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी, 16-17% लोकप्रियता दिख रही है सर बीजेपी के नेता की, अगर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की बात हो तो आप लोग 24 तक कैसे संभालिएगा? क्या इस बात पे सच्चाई नहीं है कि आप लोग इतनी सीटें लाने के बाद, लगभग डबल सीटें, आप लोगों ने भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया, उनका वो चेहरा, उनकी वो छवि, उनका स्थायित्व बिहार में जचता है, ये बात आप लोग भी स्वीकारते थे, तभी तो आपने इतनी सीटों के बावजूद उन्हीं को सीएम बनाया। आपका कोई चेहरा है नहीं तो फिर 24 में कीजिएगा क्या? 16% है सर लोकप्रियता बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री बनाने की। रविशंकर जी, नहीं, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, उस बात को मैं कंप्लीट कर दूं, आपके साथ जो आचरण किया गया वो बदले हुए बिहार के टॉलरेंस का लिमिट है फ्री प्रेस के खिलाफ, तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। आप तो बिहार आती रही है ना, बहुत हम लोग से भी तीखे सवाल पूछती हैं, आप तो सबसे पूछती हैं, आज तक तो नहीं हुआ सत्ता बदली तो ये हो गया, ये और चिंता की बात है। अब जहां तक आपका सवाल है अंजना जी, 24 में लोकसभा का चुनाव है ना कि बिहार विधानसभा का चुनाव है? मैं फिर आपके सी वोटर के स्नैप पॉल पर विश्वास नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने किया मैं उसका सम्मान करता हूं। जरा देखिए ना आगे आगे क्या होता है, कितना अंदर के कॉन्ट्रडिक्शन सामने आते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, बिहार की जनता में जो खौफ का माहौल आएगा, बाकी आएगा, छोड़ दीजिए उसको, देखने दीजिए। मैं भी अपने प्रदेश को जानता हूं, यही काम करता हूं, आपने भी बिहार को देखा है, तो आज ही के दिन सब निष्कर्ष निकाल कर करके, आज उनकी सरकार बनी है, अवसरवादिता की बनी है, बैठे हैं, चलिए ठीक है,
शुभकामना देता हूं इस अवसरवादी गठबंधन को भी। नीतीश कुमार जी ने आपने सही कहा, यह भी बिहार की विडंबना है, 6 बार मुख्यमंत्री बने भाजपा के समर्थन से पिछले 20 साल में, 2 बार आरजेडी के, तो कुर्सी वही, नेता वही, नीचे का राजनीतिक समीकरण बदलता रहता है, ये भी बिहार की जनता देख रही है। 43 में वो आ गए थे, 2020 में मोदी जी की अगुवाई में चुनाव लड़े, 19 में 20 में जीते, एनडीए जीती, लेकिन नीतीश नरेंद्र मोदी इनको मुख्यमंत्री ने बनाया कि नहीं बनाया। तो अब देश सब देख रहा है, प्रदेश सब देख रहा है, तो आज का दिन आज है। आपने सर्वे अपने पास रखिए, हमें बिहार की जनता के मूड पर विश्वास है, और देखिएगा 24 में बीजेपी को अपने सहयोगियों के साथ बिहार में निर्णायक समर्थन मिलेगा।